नमस्कार साथियों, देवहनी के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको अपने दो शहद के बारे में, नेचुरल हनी और मल्टीफ्लोरा हनी, इसके बारे में बताएंगे। नेचुरल हनी का हमने नेचुरल हनी ही क्या नाम क्यों रखा, इसके पीछे एक रीज़न है कि इंडिया के अंदर मस्टर्ड हनी, सरसों के फूलों से सबसे ज़्यादा शहद निकलता है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी सिर्फ इसी शहद की है जो एक्सपोर्ट भी होता है और हमारे इंडिया में भी बिकता है और जो है एक तरह से आपके बेकरी के प्रोडक्ट में भी यूज़ होता है। लेकिन इसके पीछे बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता नहीं है और ना आपको बताई जाती हैं, ठीक है नहीं, वो हम आपको आज बताते हैं। इसलिए हमने इसका नाम नेचुरल हनी रखा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे शहर देश में होता है तो उसी के ऊपर हमने इसका नाम रखा नेचुरल हनी। सरसों के जो फूल हैं वो आपके राजस्थान, यूपी, हरियाणा, ठीक है जी, पंजाब, यहाँ सब में आपको मिलेंगे। जहाँ जहाँ सरसों हैं, हिमाचल में भी हर जगह सरसों हैं, उत्तराखंड में भी है, वहाँ से ये शहद निकलता है। लेकिन ये शहद जब निकलता है तब ये निकलने के बाद ही एकदम जम जाता है, ऐसा हो जाता है जैसे देसी घी हो, बिल्कुल वाइट। अगर आपको इसको देखोगे तो बिल्कुल वाइट। और ये एक्सपोर्ट होता है USA ज़्यादातर, वहाँ पर ये क्रीमी हनी के नाम से खाया जाता है। अगर आप इसे क्रीम हनी करोगे सर्च तो आपको आएगा USA, और वहाँ पर ये क्रीम हनी के नाम से खाया जाता है। इसके जमने का क्या कारण है? जमने का इसका नेचुरल कारण है, प्राकृतिक कारण है, सरसों के फूल के अंदर ग्लूकोज की मात्रा नेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। जब मधुमक्खी उस नेक्टर को चूसती है और छत्ते में डालती है तो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये जम जाता है। ये कई बार छत्ते के अंदर ही जम जाता है, निकलता नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये जम जाता है। दूसरी शहद जैसे आपका मल्टीफ्लोरा हो गया, आपका नीम हो गया, जामुन हो गया, लीची हो गया, उनके अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होती है नेक्टर के अंदर, तो उस वजह से वो जमते कम हैं। कुछ शहद जमते हैं पर, लेकिन जामुन, नीम, आपका अजवैन, ये जो तीन शहद हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं जमते। ये इसका जो जमने का कारण है वो नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल, जैसे ही आप इसको शहद को, जमे हुए शहद को आप गर्म पानी में, थोड़ा गर्म पानी में, जैसे ये सीसी है, मान लो ये जार है शहद का, ये जम गया है, इसको आप नॉर्मल गर्म पानी में रखोगे ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी इसी अवस्था में आ जाएगा। हम लोग इसको पिघला कर, गर्म पानी में पिघला कर तब पैक करते हैं। अगर आपको ये वाइट चाहिए वो भी हमारे से अवेलेबल हो जाएगा, वो ज़्यादातर सर्दियों में ही रहता है। आप इसको बिल्कुल एक तरह देसी घी की तरह ब्रेड पे आप लगा के इसके खा सकते हैं। ये इसका कारण है। ये आपको मेरे ख्याल से किसी भी YouTube चैनल पे कोई भी कंपनी नहीं बताती कि ये कारण है। आप इसको अगर आप ये चाहोगे कि हाँ हमें देखना है ये चीज़ ऐसे है कि वाकई में ही है कि जमती है, तो वो भी हम आपको वीडियो भी देख सकते हैं। सर्च मारोगे गूगल पर बहुत हैं, आप उसको नेचुरल अगर आप देखना चाहोगे मेरे पास फार्म पे आके कि हम आपको दिखा सकते हैं वो चीज़ भी। दिसंबर से जनवरी, फरवरी, तीन महीने, नवंबर भी, जिसमें कुछ नवंबर भी टाइम रहता है, ये सरसों का ही शहद निकलता है, बाकी शहद सब बाद में निकलते हैं, ठीक है जी। ये तो होगी आपकी नेचुरल हनी का कारण और उसका किस चीज़ से निकलता है। इसके बेनिफिट बहुत हैं, जो बेनिफिट हमने आपके यूट्यूब चैनल पर भी और स्टिकर के ऊपर भी हमारे लिखे हुए हैं। उसके बाद आ गया आपका मल्टीफ्लोरा। मल्टीफ्लोरा मिक्स फूलों का शहद, ये जो निकलता है ये हिमाचल से निकलता है। आपका कोई जो जहाँ पर जंगल है, पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये, वहाँ पर जो फूल उस टाइम मार्च, अप्रैल, मई के टाइम जो खिलते हैं उनके मिक्स फूलों का ये शहद निकलता है। इसमें मल्टीफ्लोरा, इसमें फ्लाई, किकर, आपका बहुत फूल हैं, बहुत बहुत फूल हैं जो काफ़ी फूल इसमें मिक्स होते हैं, उनका शहद मिक्स होता है। तो इसके भी बहुत बेनिफिट हैं, अगर आप इसको खाओगे तो इसमें भी ये एक तरह से कम मात्रा में जमता है ये, ठीक है ना। ये जमने की इसकी स्थिति बहुत कम होती है। इसके आपको कलर भी अलग अलग मिलेंगे। मल्टीफ्लोरा अगर आप यूपी का है तो उसका कलर अलग होगा, हरियाणा का वो अलग होगा, हिमाचल का वो अलग होगा, राजस्थान का वो अलग होगा, सबके कलर थोड़ा अलग होंगे क्योंकि वनस्पति का फ़र्क है। अब हमारे पास आता है कि शहद तो शहद होता है, शहद ही निकलता, नहीं ऐसा नहीं है। हर स्टेट से अलग अलग शहद निकलता है, जो जिसको सिर्फ हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही बताना है लोगों को, शहद की बहुत वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, अलग अलग स्टेट से अलग अलग शहद निकलेगा, अलग अलग वनस्पति है, हर जगह अलग अलग है। आप केरला साइड में जाओगे वहाँ पर आपको अलग मिलेगा, आप नेपाल जाओगे तो वहाँ आपको अलग मिलेगा,
एक नेपाल के अंदर एक शहद है, मैं आपको दिखाऊंगा, वो ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से हमने उसका रखा, वो बहुत लिक्विड है, बहुत ज़्यादा पतला है, पिघला हुआ है, उसका टेस्ट ऐसा आता है जैसे मसालों का टेस्ट हो, आप मेरे से वो भी ले सकते हैं। ठीक है सर, ये आज आपका हमने दो शहद के बारे में आपको जानकारी दी, और आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीडियो में जैसे भी होगा हम आपको दूसरे शहद के बारे में अपने बताएंगे। थैंक यू, जय हिंद।